चैनल आई एम डॉक्टर सुचिता वर्मा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। तो लेट अस स्टार्ट, व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बनी है, बायोस और लॉगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लॉगोस का मतलब होता है स्टडी। ऐसी स्टडी जिसमें कि हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं उसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। अब लाइफ क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि एक पेन है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ना तो इसमें कोई सेल है जो अपने आप को डिवाइड करके न्यू सेल्स बना रहा है, ना ही ये सेल किसी तरीके का मेटाबॉलिज्म शुरू कर सकता है, और ना ही ये सेल रिप्रोड्यूस करके अपने ही जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकता है। इसी तरह हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हैंडबैग हो गया, या फर्नीचर हो गया, या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। ये कोई भी चीज ना तो सेल डिवीजन कर सकती है, ना रिप्रोडक्शन कर सकती है, ना मेटाबोलाइज कर सकती है। ये सब चीजें नॉन लिविंग है। लेकिन प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ऑल दीज थिंग्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर केपेबल, चूंकि केपेबल है सेल डिवीजन के क्योंकि उनमें सेल्स है, रिप्रोडक्शन के क्योंकि ये अपने ही तरीके के न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये मेटाबॉलिज्म भी कर सकते हैं। तो बायोलॉजी में हम इन्हीं सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। नाउ बायोलॉजी, ये जो टर्म है, ये सबसे पहले यूज किया था लेमार्क और ट्रेवरानस ने। लेमार्क एंड Traveranus in the year 1801 में यूज किया था। और फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, ये बहुत ही अहम सवाल है। फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो है एरिस्टोटल, अरस्तु के नाम से जानते हैं हम इनको हिंदी में। सो ही इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, लेकिन जो टर्म है वो लेमार्क और ट्रेवरानस ने लिया था। अब हम बात करते हैं कि बायोलॉजी को हम अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिकली मेजर दो ब्रांचेस में सबसे पहले डिवाइड किया गया, जिसे हम बोलते हैं बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी एंड जूलॉजी, तो बॉट यानी कि प्लांट्स। अब प्लांट्स को हम फाइटोस भी बोलते हैं, फाइटोस। फाइटोस का मतलब भी होता है प्लांट्स। ऐसी स्टडी जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उनकी वेजिटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, डिफरेंट पेड़ पौधों की हम जहां स्टडी करते हैं उसे हम बॉटनी बोलते हैं। और फादर ऑफ बॉटनी जो है वो है थियोफ्रास्टस। फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रास्टस। इन्होंने दिया था हिस्टोरिया प्लांटारम, हिस्टोरिया प्लांटारम। और इस डॉक्यूमेंट में 480 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स की इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रास्टस। बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। दूसरी जो ब्रांच आती है वो आती है जूलॉजी, जू। जू में हम क्या करने जाते हैं, एनिमल्स को देखने जाते हैं। So, यहां से बहुत ही सिंपल मीनिंग से हमें पता चल जाता है कि जो जूलॉजी है दैट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे हम एनिमल्स की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, दिस इज अबाउट जूलॉजी। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है समथिंग वेरी स्मॉल इन साइज, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। माइक्रोस्कोप से ही हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं, और इनका जो साइज होता है दैट इज लेस देन 1 मिलीमीटर, दैट इज लेस देन 1 मिलीमीटर इन साइज। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। अब माइक्रोबायोलॉजी में हम सिर्फ किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साइज को ही स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम वहां पे उसकी भी स्टडी कर रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या डिजीज कॉज कर रहा है, किस तरीके से
वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किसी भी सैंपल में से आइसोलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई सॉयल सैंपल है तो उसमें ऐसे क्या टेक्निक्स हम यूज करें कि उसमें प्रेजेंट जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका हमें पता चल सके, उनकी हम स्टडी कर सके। इसी तरह कोई ब्लड सैंपल है डिजीज पर्सन का, तो उसमें कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि डिजीज कॉज कर रहा है, या फिर कोई पॉल्यूटेड वाटर है तो उस वाटर में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। इन सभी की साइज की भी, लेकिन साथ ही साथ उसके आइसोलेशन की, उसके एनुमरेशन की जो टेक्निक्स हैं, वो सब भी हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। आगे देखते हैं, हम बात करेंगे यहाँ पे टैक्सोनॉमी की। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी का, जो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोस का मतलब है अरेंजमेंट। टैक्सोस का मतलब है अरेंजमेंट और नॉमी का मतलब है लॉ। सो इट इज बेसिकली द लॉ ऑफ अरेंजमेंट। किसका? ऑर्गेनिजम्स का, हर तरीके के ऑर्गेनिजम्स का, चाहे वो प्लांट्स हो गए हैं, चाहे वो हमारे एनिमल्स हो गए हैं, ये सब टैक्सोनॉमी में आता है। तो टैक्सोनॉमी में सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन। कोई भी हमें नया ऑर्गेनिज्म मिलता है तो सबसे पहले हम उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। एक बार हमारा प्लांट या एनिमल जो भी ऑर्गेनिज्म हमें मिला है वो हम आइडेंटिफाई कर ले, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब है कि हम उस ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे नेमिंग कर रहे हैं, कि हम उस ऑर्गेनिज्म की नेमिंग कर रहे हैं। वंस दिस नेमिंग इज बीइंग डन, उसके बाद हम इसको क्लासिफाई करते हैं। सो दिस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। हम बेस्ड ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स कि उस ऑर्गेनिज्म का क्या हैबिटेट है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी सबसे ज्यादा रिजेम्बलेंस किस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से है, इसी बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं। तो बेसिकली टैक्सोनॉमी बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की, और इसमें तीन मेजर स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि वो हमें फर्स्ट टाइम मिला है। सेकेंड इज नॉमेनक्लेचर, जिसमें हम उस ऑर्गेनिज्म को नेम कर रहे हैं। एंड थर्ड इज क्लासिफिकेशन, कि वो किस तरीके से और रिलेटेड स्पीशीज से रिलेट करता है, क्या उसकी क्लोजनेस है, उसके बेसिस पे हम उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में क्लासिफाई कर देते हैं। सो दिस इज अबाउट टैक्सोनॉमी। अनदर इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो, अब यहाँ पे भी हम जो बाकी ब्रांचेस देखेंगे उसमें भी हम वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग। नाउ मॉर्फो इन ग्रीक मींस फॉर्म। मॉर्फो का मतलब है फॉर्म और लॉजी का मतलब है स्टडी। जहां भी वर्ड लॉजी यूज हो रहा है उसका मतलब है स्टडी। सो मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का साइज क्या है, उसकी फॉर्म कैसी है, उसकी क्या शेप है, कैसा टेक्सचर है उस ऑर्गेनिज्म का, किस तरीके का उस ऑर्गेनिज्म का कलर है, ये सभी चीजें हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और आती है मॉर्फोलॉजी में, हम एक तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं और एक हम पढ़ते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी। तो एक्सटर्नली तो हम देख सकते हैं कि साइज क्या है, किस तरीके की शेप है, कौन सा कलर है, उसका टेक्सचर क्या हो रहा है, ये जो पैरामीटर्स हैं ये सब आते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर। जो इंटरनल है, इंटरनल के लिए हम स्टडी करते हैं एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी। एना मीन्स अप एंड टॉम्स मीन्स टू कट। जब हम ऊपर की लेयर को कट करके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, उसी स्टडी को हम बोलते हैं एनाटॉमी। यहाँ पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या उसके ऑर्गन्स हैं, किस तरीके की शेप है उन ऑर्गन्स की, क्या उन ऑर्गन्स की लोकेशन है, किस तरह वो पोजीशन है उनकी, क्या रिलेटिव पोजीशन है, हर चीज की स्टडी हम कर सकते हैं एनाटॉमी।
मान लीजिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पास एक रैट है, मैंने उसको डाइसेक्ट कर लिया और मैं देखना चाहती हूँ कि उस रैट का स्टमक कहाँ है, उसकी लंग कहाँ है, उसकी किडनी कहाँ है, तो ये जो स्टडी मैं करूंगी और इनकी रिलेटिव पोजीशंस में देखूंगी, दिस ऑल ऑफ दिस स्टडी विल मेक अ पार्ट ऑफ एनाटॉमी. ये सब हम एनाटॉमी में ही पढ़ते हैं. इट इज द स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर्स. नेक्स्ट इज हिस्टोलॉजी. हिस्टो, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज. So, as the name suggests, tissues की study हो रही है, यानी कि tissues का क्या part है, क्या उसका structure है, tissues का क्या structure का, tissues का organization कैसा है, ये सब हम histology में पढ़ते हैं. It is about the study of the tissues present in the organisms. ठीक है, इसके लिए हम techniques use कैसे, जैसे हम dissect कर सकते हैं, हम mounting कर सकते हैं, हम fixation कर सकते हैं, ये अलग अलग टेक्निक्स हम यूज करते हैं हिस्टोलॉजी में. नेक्स्ट इज सेल बायोलॉजी, यानी कि इट इज द बायोलॉजी ऑफ द सेल. सेल हमें पता है, पहले हम यूज किया करते थे, एक स्टडी होती है साइटोलॉजी. साइटो का मतलब भी सेल ही होता है, सेल. यहाँ पे हम सेल के स्ट्रक्चर्स की स्टडी किया करते थे, बट अब जो है टर्म चेंज हो गई है, इट हैज बीन टेकन ओवर बाय सेल बायोलॉजी. तो सेल बायोलॉजी में हम सेल का स्ट्रक्चर तो स्टडी कर ही रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो स्टडिंग अबाउट द फंक्शनिंग, हाउ दीज इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल, द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, और अ पर्टिकुलर सेल जो है वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, कहाँ पे उसका फंक्शन है, ये सब भी सेल बायोलॉजी का ही पार्ट है और ये हम सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं. तो सेल बायोलॉजी में एक चीज हम पढ़ रहे हैं अबाउट द स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम, प्लस हम सेल की फंक्शनिंग भी पढ़ रहे हैं. ठीक है, दिस इज अबाउट द सेल बायोलॉजी. नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. तो यहाँ पे हम बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि डीएनए हो गया, हमारा आरएनए हो गया, हमारा प्रोटीन्स हो गए, इनकी फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जानते हैं कि किस तरीके से ये डिफरेंट जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और इसका बहुत ज्यादा हम यूज देखते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे आपका डेवलपमेंट हो मेडिसिन में, या फिर आपका मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हो. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंडर बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि रीसेंट हैं और बहुत ज्यादा यूजफुल हैं डायग्नोसिस में, मेडिसिन में, एंड इवन एग्रीकल्चर में. सो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं अबाउट द फंक्शनिंग, कि जो बॉडी हमारी है वो किस तरीके से फंक्शन कर रही है किसी भी ऑर्गेनिज्म की. तो दिस विल इंक्लूड सेवरल एस्पेक्ट्स, जैसे कि फिजियोलॉजी में हम मेटाबॉलिज्म को स्टडी करते हैं, ग्रोथ को स्टडी करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, क्या उसका मेटाबॉलिज्म है, किस तरीके से वो ऑर्गेनिज्म मूवमेंट कर रहा है. जैसे कि हम बैक्टीरिया में देखते हैं कि जो बैक्टीरिया है उसमें फ्लैजेला मूवमेंट होती है, फ्लैजेला की वजह से वो मूव करता है, तो उस फ्लैजेला का क्या स्ट्रक्चर है, उसमें कितने टाइप की रिंग्स होती है, कौन से रिंग का कहाँ काम आता है, क्या फंक्शन होता है. सो ऑल ऑफ दिस स्टडीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजियोलॉजी. ये फिजियोलॉजी में ही पढ़ते हैं. नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो. अब जो एम्ब्रियो होता है उसमें हम पढ़ते हैं कि एक एम्ब्रियो किस तरीके से बना, कैसे जायगोट फॉर्मेशन हुई, किस तरीके से जो जायगोट है वो डिफरेंशिएट करके एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो में क्या अलग अलग डिफरेंशिएशन स्टेजेस आई, ये सब कुछ हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं. एम्ब्रियोलॉजी में जो हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं, पहले क्या होता था, हमें एम्ब्रियो को पढ़ने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एम्ब्रियो को किल कर देना पड़ता, क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्निक्स नहीं थी. तो एवरी टाइम वी वांट टू स्टडी अबाउट एम्ब्रियो, हमें एक एम्ब्रियो लेके उसको किल करना पड़ता था. बट नाउ अ डेज ड्यू टू द
स्कैनिंग टेक्निक्स जैसे आपका अल्ट्रासाउंड हो गया है और इमेजिंग टेक्निक्स आ गए, इसकी वजह से एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमें एम्ब्रियो को अब किल करने की नीड नहीं है। हम बिना उसको हार्म पहुंचाए, विदाउट गिविंग इट एनी हार्मफुल इफेक्ट, हम बिना हार्म पहुंचाए उसको स्टडी कर सकते हैं, उस एम्ब्रियो को स्टडी कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट एम्ब्रियोलॉजी। अनदर ब्रांच इज इकोलॉजी। इको जो वर्ड है वो मिला है हमें ओइकोस से। ओइकोस वर्ड का मतलब होता है प्लेस ऑफ लिविंग, कि कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ रह रहा है, उसकी प्लेस ऑफ लिविंग क्या है। तो इकोलॉजी में हम एक ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट देखते हैं। हैबिटेट इज ऑल्सो प्लेस ऑफ लिविंग, जहां पे उस ऑर्गेनिज्म को वो नेचुरली पाया जाता है, उस ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर अपने प्रवेल करने के लिए कंडीशंस मिलती हैं, ठीक है। और इकोलॉजी में हम एक और फैक्टर देखते हैं कि उसके किस तरीके से स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है, साथ ही वो किस तरीके से उस एनवायरमेंट में, उस इकोलॉजी में, उस एनवायरमेंट में पाए जाने वाले बाकी स्पीशीज के साथ, बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ उसका क्या इंटरेक्शन है, किस लेवल पे वो इंटरेक्ट कर रहा है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ। जेनेटिक्स जो वर्ड है उसमें वर्ड है जीन। जीन क्या है? जीन इज अ डीएनए। जीन इज अ पूरी सीक्वेंस ऑफ डीएनए। तो जीन का मतलब डीएनए है, और डीएनए हम सबको पता है कि डीएनए ही है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो हमारा हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, पास ऑन करने के लिए डीएनए इज द मेन की फैक्टर। डीएनए इज द मटेरियल जिसकी वजह से हमारी जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे पास हो रही है। तो यहाँ पे हम जीन्स की स्टडी करते हैं, यानी कि डीएनए की स्टडी करते हैं यहाँ हम। और हम ये भी देखते हैं कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं या जीन में ऐसा क्या है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कोई हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन पास हो रही है, किस तरीके से कोई एक पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेस कर रहा है और एक नया फीनोटाइप बना रहा है जो कि एक विजिबल कैरेक्टर है, ये सब कुछ हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। जेनेटिक्स में हम ये भी पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम किसी जीन को मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड। जैसे कि किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर है और अगर पता लग गया कि जीन लेवल पे वो डिसऑर्डर है ड्यू टू द एबनॉर्मल जीन, तो किस तरीके से हम उस जीन को एबनॉर्मैलिटी से नॉर्मल बना दें, और जब वो नॉर्मल बन जाएगा तो वो नॉर्मल प्रोटीन एक्सप्रेस करेगा। जैसे ही वो नॉर्मल प्रोटीन एक्सप्रेस करेगा हमारी बॉडी में कोई भी डिसऑर्डर नहीं होगा। सो दिस ऑल्सो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ जेनेटिक्स, ये भी हम जेनेटिक्स में ही पढ़ते। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज बायोजियोग्राफी। जियोग्राफी यानी कि किसी भी चीज का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करते हैं कि हमारे प्लैनेट पे कहाँ कहाँ किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। यहाँ पे अगर हम किसी प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम इसमें बोल देंगे फाइटोबायोजियोग्राफी, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि फाइटो का मतलब होता है प्लांट, बायो का मतलब हो गया लिविंग, और जियोग्राफी क्या है? जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्लैनेट में कहाँ कहाँ हमारा ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है, देखा जा रहा है, कहाँ रह रहा है। इसी तरह अगर हम एनिमल के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि एनिमल, कोई एक पर्टिकुलर एनिमल हमारे अर्थ पे, प्लैनेट पे कहाँ कहाँ जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको हम बोल देंगे जू बायोजियोग्राफी। तो ये एक और इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। एक और बायोलॉजी के ब्रांच के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी, दैट इज पेलियो बायोलॉजी। पेलियो बायोलॉजी जो है उसमें हम फॉसिल रिमेन्स के बारे में बात करते हैं। फॉसिल रिमेन्स यहाँ पे हम प्लांट्स और एनिमल्स, यहाँ पे हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ही फॉसिल रिमेन्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पेलियो का मतलब होता है फॉसिल रिमेन्स। तो बहुत ही इजीली हम किसी भी ब्रांच
की टर्मिनोलॉजी को अगर देख लेंगे और उसका हम मतलब निकाल लेंगे तो हमारे लिए इतना इजी हो जाएगा मेमोराइज करना उस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी का कि हमें आगे से सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम से आपका माइंड क्लिक कर जाएगा। पेलियो, पेलियो का मतलब था फॉसिल रिमेन्स। फाइटो, फाइटो का मतलब है प्लांट। जू, जू का मतलब है एनिमल। इको, इको का मतलब होता है ऑयकॉस यानी कि प्लेस ऑफ लिविंग। इस तरीके से जब हम चीजों को सिंप्लीफाई करके याद रखने की कोशिश करते हैं तो हम केपेबल हो जाते हैं कि हम ज्यादा टाइम तक उसको मेमोराइज कर सके, ज्यादा टाइम तक सिंप्लीफाइड वे में हम उसे याद कर सके। सो आई होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इनकेस आपकी कोई भी क्वेरी होती है या आप कोई भी कमेंट देना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दें। एंड जस्ट डू लाइक माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी अदर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच। दैट इज ऑल फॉर टुडे।